जय शंकर है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। प्यार आप सबको ट्रक भर के, हम एकदम बढ़िया हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं और ताक्षु जा रहे हैं ताक्षु के बड़े नानू के घर, मतलब मेरे दादा के घर। तो ताक्षु मिलेगी आज अपने पर नानू से, मैं, मेरे हस्बैंड और ताक्षु। ताक्षु तो बात कर ले बच्चे, ताक्षुड़ी ताक्षवी बात कर ले मम्मा। नहीं है मूड, तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। तो YouTube फैमिली, हमारा सफ़र हो चुका है शुरू। तो अभी हम घर से निकले हैं, बबली और ताक्षु। ये है ताक्षु को अब बीसी गर्मी लगने लग पड़ी है और थोड़ी कंफ्यूज भी है क्योंकि एक बार फिर से इसको ट्रैवल करने को मिल रहा है। क्यों ताक्षु, ताक्षु पापा, अरे मैं क्या डाउन, और इसके शायद साइड वाले ग्लास भी डाउन नहीं हो रहा है, थोड़ी दिक्कत है। तो और गर्मी लगेगी, और ताक्षु को देखो कैसे देख रहा है। तो दिखाते हैं आगे की जर्नी आपको, बने रहिए ब्लॉग में। कर रही है सफर को ताक्षु। ताक्षु कहाँ घूमी है, घूमी घूमी है बाबा। देखो ताक्षु फुल एंजॉय कर रही है सफर को। बाकी नहीं होते बच्चे की, सो जाते हैं, पर इसको नींद ही नहीं आ रही है कल शाम से, पता नहीं क्या है इसको। शायद पहले ही पता होगा कि बुढ़े नानू के पास मिलने जाना है, तो एक्साइट होगी ये पहले से। नहीं ताक्षु, ताक्षु तो आओ, बंद कर। एक दो दिन धूप रही है तो कर यार, सीट बेल्ट ला लिया। एक दो दिन धूप रही है तो क्या बोलते हैं, दो गर्मी हो गई है। और जो सीट बेल्ट की बहस करिए, ये गाड़ी में ट्यू ट्यू वाली साउंड नहीं आती है। और एक्चुअली में बताएं तो हमारे यहाँ सीट बेल्ट नहीं लगानी चाहिए, वैसे वो ऊपर नीचे होना तो नीचे, अगर हो जाए तो सीट बेल्ट उल्टा हमें नुकसान पहुँचा सकती है। फ़ायदा तो क्या देगी, क्योंकि हमारे है हिली एरिया, पर हिल से अगर निकल जाए बाहर तो पता है फिर सीट बेल्ट ही पहले जान लेगी, क्योंकि सीट बेल्ट नहीं निकलेगी। तो ये है प्लान एरिया के लिए सीट बेल्ट का। बाकी चलान करते हैं तो यहाँ भी डालना पड़ता है सीट बेल्ट, पर होना नहीं चाहिए पहाड़ी एरिया में सीट बेल्ट, क्योंकि अपने लिए नुकसानदायक है। पर बबली देखो बहस करिए, किसने बोला था आपको, सब बोलते हैं, उनके लिए भी ये रिप्लाई है कि सीट बेल्ट पहाड़ी एरिया में उतना भी अच्छा नहीं रहता है। चलो चलते हैं आगे की जर्नी दिखाते हैं। तो YouTube फैमिली भी हम रास्ते में ही हैं, तो गर्मी इतनी ज़्यादा होगी कि ताक्षु को देखो एकदम से लाल हो गई, ऊपर से नींद नहीं आने वाली है। आ रही है नींद की, नहीं आ रही है ताक्षु की, नींद नहीं आ रही है लग रहा है। सोने की ट्राई कर रही है पर कुछ नहीं, सोने का मूड है इसका, गर्मी बहुत है। और ये जो दूसरी साइड वाला शीशा है ये नहीं खुल रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम ट्राई भी नहीं कर रहे क्योंकि ठीक नहीं रहता है। तो YouTube फैमिली अभी हम आधे ही रास्ते में पहुंचे और ताक्षु को नींद आ गई और सो गई है बबली की गोदी। बबली क्या कुछ बोलोगे आप भी, आगे मोड़ है ना, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता ना। तुम उधर दिया। तो हम फाइनली पहुंचने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मेरा जो बच्चू है मेरे दादू से मिलेगी, ये अपने पर नानू से, और वो काफ़ी टाइम से बीमार भी चल रहे हैं, उनकी तबीयत ख़राब है। तो हम इसीलिए जा रहे हैं ताकि वो अपनी पोती की बेटी को देख सके। एक बार हम पीछे गए थे उनसे मिलने, लेकिन हम ताक्षु को नहीं लेके गए थे, मैं और ताक्षु के बाबा गए थे। तो वो तब बोल भी रहे थे कि बच्चों को क्यों नहीं लाया, तो इसीलिए आज छुट्टी भी थी, संडे था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं बच्चों को भी ले जाते हैं अपने उनके बड़े नानू के पास, इसीलिए जा रहे हैं हम। तो बस सब पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में, बने रही हमारे साथ व्लॉग में। और ये जिसे हम कहते हैं तरेला नाला, किसी टाइम यहाँ पुल नहीं होता था तो नाले से गाड़ी क्रॉस करनी पड़ती थी, और उस टाइम बहुत क्या बोलते रिस्की होता था क्योंकि इस टाइम पानी बहुत बढ़ जाता था, है ना बोली। और ये आ गया ऊपर का तरेला वाला एरिया, और ये है वाटरफॉल, देखो कितना गहरा था वाटरफॉल, पर अब दिखे रहा ही नहीं है पुल के उसमें। चलो यहाँ से दिखाते हैं हम आपको वाटरफॉल, ये है सामने का वाटरफॉल, और ये ऊपर को तरेला को गया रास्ता, और ये बॉन्देड़ी को। तो अब हम बॉन्देड़ी की तरफ डाइवर्ट हो गए हैं, और बबली खुश होती हुई मन ही मन, और देखो दांत भी निकलने लग पड़े हैं। खुशी अलग ही होती है भाई, अपने घर तो
नहीं, अब एक्स घर को जा रही है, तो एक्स घर को जा रही है, देखो कितनी खुश हो रही है। हम अभी क्या बोलोगे, एक्स है ना आपका घर अब? एक्स क्यों बोले तो एक्स बोलते हैं ना, जैसे एक्स पुराना, पुराने को एक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं आप बोलो कुछ। शांत क्यों गए हो? कोई जवाब नहीं है इसके। भाई YouTube फैमिली क्या बता सकती है, बोलने के लिए शब्द नहीं है। वैसा ही क्वेश्चन पूछा है मैंने, शब्द है पर मैं बोलना नहीं चाहती। नहीं नहीं, मैंने क्वेश्चन ही वैसा किया, मेरे शब्द आपको तलवार की भांति चुभेंगे। नहीं तो अब ना ही बोलो, आप ना ही बोलो तो अच्छा है। और ये थोड़ा सा एरिया कच्चा है रोड, तो क्या करें, चलो इसको भी लगाते हैं और फिर आगे निकलते हैं जाते हैं। तो हम पहुंचने वाले हैं, अब यहाँ से थोड़ा सा पैदल है, तो अब हम चल पड़े रोड से नीचे की ओर। ताक्षुर उसके बाबा आगे आगे चले हैं, मैं उनके पीछे पीछे। और जिस गांव में हमने जाना है वो यहाँ नीचे की तरफ है, रोड से थोड़ा सा नीचे है, 15 मिनट का लग जाते हैं रोड से। ये मेरे दादी, नमस्ते। ये मेरे दूसरे दादी, मतलब दादू की बहन है ये। और ये बच्चे मेरे भतीजू हैं, वो भी भतीजू है ये भी। और ये इनकी मैं दीदी लगती हूँ, पल्लू और पीछे मित्तू। ये है मेरे दादू, दादी, दादू को हवा कर रहे, साथ में मक्खियां भी उड़ा रहे। अरे मेरा बच्चू और सो गया यहाँ आके। तो सुना कौन सा है दादी, छोकरे मोस आया ना? पढ़ना नानी के पीछे बैठी ਇਹੜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਛੁਕੂ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਦਾਦਾ ਇੱਕ ਵੀਮ ਪੰਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਤਾਕਸ਼ੂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਿਓ ਇਹੜੇ ਫਿਰ ਛੋਟਿਓ ਉਹ ਤਾਕਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਨੂ ਕੀ ਦਾਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਨੇ ਬਰਾਥੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਰੂਰ ਆਈ ਆਉਂਦਾ तो अब हम चल पड़े हैं ताक्षु के नानू के घर से। मैं ताक्षु रुका है, मेरा ताक्षु छुप के बैठा है बाबा की गोद में छुप के। तो फाइनली हम दादा दादी के घर से आ गए हैं, मेरा बुगरू भी आ गया है, बैठ ही नहीं रही थी ये तो फिर आ गए, मतलब सो गई थोड़ी देर, तो फिर थोड़ी देर बैठे, बात बूत की फिर ठीक हो गई थी। तो अभी हम इतनी दूर आए हैं तो इसकी नानू के पास भी जाते हैं, मतलब मम्मी के घर, तो क्योंकि यहाँ से मम्मी के घर गाड़ी पे या यही कोई 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो उनसे भी मिल के जाते हैं, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। तो अभी हम जा रहे हैं नानी के घर, नानी के घर बच्चा, नानी के घर। तो चलते हैं फिर। चलो बिहार आ दे, ये मम्मी का मेन बड़ा हो गया ये। तो अभी इस वक्त खाना
कुछ हंसी रहे तो अभी खाना खाने का टाइम है, हम खा चुके हैं पहले ही। हम दोनों काफ़ी देर से हम बाहर बैठे हैं और ये लोग हमारी बच्ची को दे ही नहीं रहे हमारे पास, एक द्वार ना हो ना ना हमारी बच्ची को दे ही नहीं रहे हमारे पास। अरे मेरी गुड़िया, हम ठीक है भाई फिर। क्या नहीं क्या ना ठीक ना पास पहली बार थोड़े चला कते बराबर बराबर चलो अरे बाबा मुत डरा लगता हमें भाई टेंशन पैजे मैं आई रही हूँ मामा चौंज भी तो हाँ आयुन भी नक्शन के तो यूं दी फाइन दी हमारी गाड़ी बैक हो। ये मेरी बच्ची को नहीं छोड़ रही, आपस में ही लड़ रहे, देखो वाला एक बोल रहा है मुझे पूजो मैं धरा था कुता हूँ तो आज कल दिखा रहे भाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो फाइन यार हम निकल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है बाय 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 स्माइल कर दे ना स्माइल कर दे। आज पूजू को ब्लॉग बनाने नहीं दिया अभी किसे पता ही नहीं लगा क्या मारे नानू को देख के नानू की तरह ब्याह दे दी दी नानू तो फाइनली अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं बबली के घर से भी, पर अभी पूजो और सासू माओ की फाइट हो गई थी। अब चल पे घर होर दी फिर हाँ जी तो फाइट हो गई थी। फाइट तो क्या है बैच ऐसी कि ताक्षु एक बोले मैं लूँ एक बोले मैं लूँ और पूजू के पास थी और वो मम्मी के पास दे ही नहीं रहे थे सच्चे हैं वो भी 5 मिनट के लिए आई बेचारी। तो अभी देखो देख रही है तो अभी चले हैं हम इसके घर की गलियों से तो अभी निकलते हैं फिर आगे बनाते ब्लॉग। आराम से भाई आराम से अना शिंगे बड़े खतरनाक होते ना भाई दी तो मारे भी सकते। तो अभी हम कुशनगरी पहुंचे हैं और वॉशिंग करने को थी गाड़ी की तो सोचा वॉशिंग कर लेते हैं। अभी वैक्यूम मार रहे हैं अंदर और इसके बाद वॉशिंग होगी। थोड़े लेट हो गए हैं पर गाड़ी धुलानी जरूरी थी तो वो कर रहा है अभी चला है काम। और उसकी मम्मी शॉप में बैठे हैं यहाँ पे शॉप भी है साथ में और बाहर गाड़ी धुल रही है। तो बबली बना रही है चाट, आज मैं और पापा पियेंगे ड्रिंक क्योंकि हम हैं घर में और करेंगे ड्रिंक एंड ड्राइव। तो अभी बन रही है चाट तो बबली टमाटर काटती है बन गई तो फाइनली ताक्षु को नहला दिया घर पहुंच के और मालिश हो रही है और देखो इसकी चीखें हेलो मालिश हो रहा है
माली शोर है पापा का। साक्षी की मालिश हो रही है और ये मजे ले रही है इस चीज़ के, देखो। तो फाइनली YouTube फैमिली आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ताक्षु की मालिश और स्नान हो चुका है ना ताक्षु। तो इस वीडियो को भी शायद लंबी बहुत हो चुकी है, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। होप सो आपको आज का व्लॉग भी हमारा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी नए आ रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए। और जो नए व्यूवर जुड़ रहे हैं वो हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं, तभी अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पिछली वीडियो भी आपको आती जाएंगी और नई वीडियो भी आती जाएंगी और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती जाएगी। तो सो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपनों और अपनों का। जय शंकर, लव यू सबको, ट्रक वर्क की बाय।